sprung from paternalism, the English utilitarian philosophy, as introduced in India, rejected its human warmth between rulers and the ruled. बिल्कुल ये सही बात है. पेटर्नलिज्म ऐसा शो किया, दिखाया ऐसा दैट वी आर द वंस हु आर यू नो गोइंग टू गिव यू अ बेटर गवर्नमेंट, अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. इन द नेम ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव गेन्ड सो मच ऑफ द पावर. इतना ले लिया कि ये कहा कि भाई यू आर नॉट रेडी फॉर पोलिटिकल पार्टिसिपेशन. इनको क्या सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने तो कभी इन्जॉय ही नहीं करा, इनके हिस्ट्री में तो कभी हुआ ही नहीं डेमोक्रेसी. और इसी वजह से इन्होंने हमें डिमीन करने की कोशिश की कि तुम्हारे यहाँ पे तो सती जैसी पर्दा जैसी प्रथा होती है, वेयर यू डिमीन विमेन, वेयर यू डू नॉट गिव देम इक्वल राइट्स, वेयर यू बेसिकली यू आर इनह्यूमन ट्रीटमेंट. इक्वल राइट्स तो इनके खुद के यहाँ नहीं थे, तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट वाली बातें ये लोग करते हैं. हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल इविल्स थे, बट टू से दैट कि आपका कल्चर एकदम डिस्ट्रक्टिव है एंड आउटडेटेड, यू नो बैकवर्ड पीपल इंडियन सिविलाइजेशन के, ये करना गलत था. दे वॉन्टेड टू बेसिकली डू ऑल दी स्टेप्स इन द नेम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कि हाँ हम तो कर रहे हैं भाई, हम तो आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने जा रहे हैं. तो सेंस यही है कि आप दिखा ऐसा रहे हो दैट यू आर वेरी ग्रेट, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड लेवल आप इस चीज़ को बहाना बना के इंटरनली यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस कल्चर. ओके, सो इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म इन इंडिया टुक रूट्स अंडर सच पेटर्नलिस्टिक एटीट्यूडनल कॉन्टेक्स्ट. ये यूज करते थे. ओके, इन्होंने कहा कि इंडिजिनियस पीपल नीड टू बी मैच्योर्ड, एक्सीडेड टू रैशनल थॉट, सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, इसीलिए हम इनको ये पेटर्नलिस्टिक, मतलब दे हैव जस्टिफाइड इट, दे हैव ब्रांडेड इंडियन सिविलाइजेशन एज बैकवर्ड. ओके, एंड दे सेड दैट दे आर ब्रिंगिंग मॉडर्निटी, दे आर ऑन द टास्क ऑफ टेकिंग इंडिया ऑन द कोर्स ऑफ मॉडर्निटी. ये बनाएंगे इंडिया को मॉडर्न, ऐसा ही कहते हैं. दे वर हियर टू टॉट द वर्च्यूज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. अब देखो कर क्या रहे हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, वील टीच यू, वील गिव यू इंडियन, यू नो धीरे धीरे हम तुम्हें सिखाएंगे इंडियन पार्टिसिपेशन. हम कोई नहीं है, जीरो इंडियन पार्टिसिपेशन, एंड स्टिल दे मैनेज टू गिव सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स कि हम तुम्हें सिखाएंगे. मतलब नो, बट नो इंडियन इन इंडिया वॉज सो केपेबल कि जो इनकी गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता था. मतलब ये सारे के सारे सब बेटर थे, एक भी इंडियन ऐसा नहीं था जो इनकी प्रॉब्लम, इनके सिस्टम को समझता था. इंग्लिश एजुकेशन ये देना स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी राइज ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, फिर आएगा चेंज इंडिया. दे हैव यूज्ड दीज पीपल, द इंग्लिश एजुकेटेड यूथ इंटेलिजेंसिया जो रिफॉर्मर्स थे, इनके जरिए ये रिफॉर्म्स की बातें करते थे कि हाँ ठीक है यार करवाओ, वेरी गुड, है ना, वी विल सपोर्ट यू. तो आप ये देखते हो ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे ये लेजिस्लेशन सती पे हो रहा है, लॉज आईपीसी बन रहा है, मैकॉले बना रहे हैं, रियोतवाड़ी सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलॉसफी इन इंडिया लैक्ड ह्यूमन वॉर्म्थ, ऐसा है या नहीं. अब पेटर्नलिज्म के नाम पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई इंडिविजुअल्स के अधिकारों के ऊपर, ये कहकर कि हम आपको प्रोटेक्ट और रिफॉर्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक दिखाई देता है कि ये डिस्पोटिज्म था, इट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ बेनेवोलेंट रूल. ओके, इंग्लिश यूटिलिटेरियन आइडियाज वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे सपोर्टेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे सेड दिस दे यूज दिस डिस्पोटिक पावर विदाउट ह्यूमन वॉर्म्थ. कोई लिबरलिज्म यहाँ पर नहीं है इनके लिए. बेंथिक के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूटिलिटेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग थे, लेकिन लोकल कंडीशंस को वो बिल्कुल मैच नहीं करते थे. जो भी वो चीज़ें लेकर आ रहे थे इंडिया के अंदर, वो इट कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ रैथ फ्रॉम द सोसाइटी, अ लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी. तो समाज के अंदर हारमी बनाने के लिए अपने तरीके से इनको लगता था कि हम करेंगे तो बेटर होगा. हैवी हैंडेड मैनर के अंदर अप्लाई किया गया, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को ध्यान में रखते हुए कि इस माहौल ऐसा करेंगे फिर हम लॉन्च करेंगे. नो नो, दे हैव जस्ट डन
जैसे इनको सही लगा, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे काम करना, वो है. सो दैट इज़ नॉट फॉर द बेटरमेंट. मतलब आप तो फिर वो कर रहे हो कि जैसे जानवरों को यू नो आप मार मार के उनको मैनेज करने लगते हैं कई लोग, वो चीज़. इवन इवन द एनिमल्स नो हाउ टू बिहेव, इवन द एनिमल्स आर वेरी मच डिसिप्लिनड एंड नो वॉट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर देम. इवन टेमिंग एनिमल्स इज नॉट राइट. सो दे वर टेमिंग इंडियंस एज एनिमल्स, क्या हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, स्ट्रिक्टली यू शुड फॉलो दिस, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस दैट, ये वाली सारी चीज़ें इन द नेम ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी. यूटिलिटेरियन मैक्सिमम गुड ऑफ ऑल. तो इसमें मैक्सिमम गुड सिर्फ ऑल का तो पता नहीं, ब्रिटिशर्स का तो अच्छा हो रहा था. इंडिया के अंदर बस एक ही चीज़ हो रही है, इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन वो भी पेनिट्रेट नहीं हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे नहीं है. ये सिर्फ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसी है जो है ऊपर वाला, वो एंजॉय कर रहा है. ठीक है.